हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपनी जो डेली रूटीन है वो फॉलो कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई की जो रूटीन है उसको आप लोग बहुत ही सिंसियरली उसे फॉलो कर रहे होंगे और अपनी जो डेली करेंट अफेयर्स है उसे भी आप रिविज़न कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज है आपका 23 दिसंबर। तो आज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स रहने वाला है जो हम लोग कवर करेंगे अपने डेली डीएनए में। डीएनए यानी हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है, जिसके अंदर में हम लोग, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, जिसके अंदर हम लोग पीआईबी से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, डाउन टू अर्थ से, काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स से और भी कई सारे जो सोर्सेस है उससे मिलाकर जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको मैं यहाँ पे एक वीडियो में कवर करता हूँ डेली। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सिंसियरली लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको हर एक टॉपिक जो है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी टॉपिक है, हम लोग पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। यह है आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स, हमारा जो जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक को लेकर, कि 60% जो इंडिया का जो एरिया है ये प्रॉन है टू अर्थक्वेक, यानी यहाँ पे 60% ऐसा एरिया है जो इंडिया का जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह एकदम आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कवरेज हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जो प्रोन एरिया हैं जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। ये जीएस पेपर वन का पार्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बायोफ्यूल को लेकर है। ठीक है, बायोफ्यूल और बायो रिफाइनरीज, तो क्या है, ठीक है, नेचुरली किस तरह से फ्यूल को हम लोग जनरेट कर सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं हमारे डेली डेली जो व्हीकल का जो रनिंग है उसमें, और भी कई सारे यूज़ है। अब बायो रिफाइनरीज का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फार्मर से रिलेटेड है। सेंट्रल ने एक रूल्स आउट किया है कि इंक्रीज करने के लिए जो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात की है कॉटन, जो कॉटन की खेती करते हैं, ऐसे फार्मर जो कि कॉटन को खेती करते हैं उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात की है। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि फार्मर जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है ओपन मार्केट में जाकर बेच सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको उनकी लागत से भी कम प्राइस मिलता है, मार्केट में देखने को मिलता है, यानी जो दलाल वगैरह होते हैं वो सही प्राइस उन्हें ऑफर नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये नियम निकाला, ठीक है, ताकि फार्मर को लॉस ना हो और एक मिनिमम एक प्राइस उन्हें मिल सके उस प्रोडक्ट का, ताकि वो ओपन मार्केट में अगर उन्हें घाटा लग रहा है तो वो जाकर एमएसपी यानी सरकारी जो गोदाम है उनमें जाकर डायरेक्टली बेच सकते हैं और एक मिनिमम एक सपोर्ट प्राइस वहां से सपोर्ट प्राइस में बेच सकते हैं और अपना घाटा होने से कम अपना बचा सकते हैं। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक मेंस का एनरिचमेंट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, जो मेंस ओरिएंटेड एक पॉइंट होता है जिसमें हम लोग फार्म के बाद फार्म टू फॉर्म फिलॉसफी क्या है ये देखेंगे हम लोग। कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स को भी देखेंगे, जहां पर लायन एट द रेट 47 ये क्या है, अमृत काल के बारे में बात हो रही कि विजन है देखा गया है अमृत काल का। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे, जो लायन से रिलेटेड लग रहा है तो ये क्या है हम आप लोग डिटेल में मैं कवर करूंगा। दूसरा है कि QR कोड फॉर LPG सिलेंडर, यानी देखिए QR यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, मैंने बता दिया। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, जहां पर आप लोग UPI के थ्रू, भीम के थ्रू या फिर और भी कई सारे पोर्टल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो LPG सिलेंडर के पेमेंट के लिए भी कि आप जाएं LPG सिलेंडर लें और ऑनलाइन पेमेंट कर दें, तो ये ऑप्शन जो है वहाँ जोड़ने की बात की जा रही है। तो क्या है सारा मामला देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो वैक्सीन को लेकर है, कि हाउ नेजल वैक्सीन वर्क, नेजल वैक्सीन किस तरह से वर्क करता है उसको बारे में बताएंगे। ठीक है, अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कि नॉट एवरी थिंग वी कॉल AI एज इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है
देखने को मिला सैटेलाइट का, वो क्या है देखेंगे। अगला टॉपिक है सेबी को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बायबैक्स क्या है, बायबैक ऑफ स्टॉक इसको क्या है, इसको करेंगे हम लोग। एरिका नॉट इम्पोर्ट्स क्या है ये देखेंगे। अगला है साहित्य एकेडमी अवार्ड्स जो कि अनाउंस किया गया है ये क्या है। यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 ये क्या है, क्या रिजोल्यूशन लिया गया वो हम लोग देखेंगे। तो आइए सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कि 60% इंडिया प्रोन टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के घेरे में है जहाँ कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आ सकती है, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा ये बोला गया कि फॉर S&T एंड अर्थ साइंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस के ने कहा कि अराउंड 60% ऐसे लैंडमार्क्स हैं इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिल सकता है डिफरेंट शेकिंग इंसेंटिस के साथ। जैसे कि देखिए एटोनॉमी ऑफ ए अर्थक्वेक, ठीक है। एक अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय द सडन मोशंस अलोंग फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर में कई बार क्या हो जाता है, कुछ हलचल देखने को मिलती है जिसके वजह से जो ऊपर के सतह है वो शेक करने लगता है और उसी प्रोसेस को बोला जाता है अर्थक्वेक, ठीक है। फॉल्ट अगर देखने को मिला कहीं पे, अगर कुछ मतलब कि एक क्रैक्स देखने को मिलते हैं जमीन में, तो उस क्रैक्स के जरिए भी वाइब्रेशन जनरेट होता है और अर्थक्वेक हो सकता है। एपी सेंटर, ठीक है, एपी सेंटर कहा जाता है जहाँ से ये शेकिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो जो फोकस पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उसको एपी सेंटर बोला जाता है। प्लेट्स क्या है, प्लेट्स ये एरियाज हैं ऊपर के सतह वाला एरिया है, ठीक है। मैसिव रॉक दैट मेक अप द आउटर लेयर, जो मैसिव रॉक है, जो पत्थर वाला एरिया है जो कि बाहरी जो लेयर है, जमीन का बाहरी लेयर जो बना रहा है, इसे हम प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिगर करता है अर्थक्वेक को। सिस्मिक वेव्स, जो वेव्स जो एपी सेंटर से जो फोकस पॉइंट एक होता है, फोकस पॉइंट होता है एक एपी सेंटर होता है, पहले फोकस पॉइंट बता दूँ। ये हाइपो सेंटर होता है, एकदम इंटीरियर में होता है, ठीक है, अर्थ के एकदम अंदर में होता है ये पॉइंट, जहाँ से इसी एरिया से जो है एक वेव निकलता है, ठीक है, वेव निकलता है, तो इसी वेव के चलते जो है एनर्जी जो है रिलीज होता है और अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हो जाता है। तो ये सारी जो आते हैं जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थक्वेक का मतलब क्या, मैंने सारा कुछ यहाँ पे कवर कर दिया, जो भी चीज़ें मैंने कवर की वो यहाँ से वही उसी को यहाँ पे डिटेल में उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शेकिंग ऑफ द सरफेस या फिर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, सिस्मिक वेव क्या है मैंने बता दिया, टेक्टोनिक इन एन ओरिजिन रिजल्ट टू रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेट्स ऑफ द मूविंग लिथोस्फेयर और क्रस्टल प्लेट्स, ठीक है। ऐसे 7-7 मेजर प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से काउजेज है, जो कि अर्थ काउजेज ऑफ अर्थक्वेक कैन बी नेचुरल भी हो सकता है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के घसकने के वजह से या वॉल्केनिक एक्टिविटीज के वजह से हो सकता है, या फिर एंथ्रोपोजेनिक यानी मेन मेड भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह करने से भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, न्यूक्लियर केमिकल जो एक्सप्लोजन होता है उससे भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। तो कई सारे चीज़ें होती हैं। अर्थक्वेक का जो वेव होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है बॉडी वेव्स, ठीक है, जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एनर्जी अगर रिलीज होता है और वो मूव करता है ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, इसे भी दो पार्ट में बांटा गया बॉडी वेव को भी, एक पी वेव होता है एक एस वेव होता है, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव, ठीक है। इसका भी देखिए ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पी वेव में बता दूँ, पी वेव में पैटर्न की तरह अगर बता दूँ तो ये अर्थ का जो है ये होता है कोर, ठीक है, ये होता है मेंटल और क्रस्ट होता है, ठीक है। तो एपी सेंटर से जो है इस तरह से वेव जो है वो जनरेट होता है और डायरेक्शन में ये मूव करता है जिसको कि एस वेव पैटर्न बोलते हैं। पी वेव पैटर्न क्या होता है कि ये एपी सेंटर के साथ साथ कोर में भी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। पी वेव होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वाइब्रेशन, एस वेव इज परपेंडिकुलर, कैन क्रिएट थ्रू रूट्स एंड क्रिएट्स इन द मेटल थ्रू द पास, ठीक है, ये जनरली पूरे यहाँ से पास होता है। आप एस वेव को देख रहे हैं, ये कोर के से बिना पास हुए साइड से पास हो रहा है, और पी वेव जो है वो कोर और मेंटल से भी पास हो जा रहा है, ठीक है। मीजरिंग अर्थक्वेक किस तरह से मीजर किया जाता है, तो ये सारी अर्थक्वेक के बारे में जो है वो और भी कई सारी जानकारी यहाँ पे दी है जो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है।
इंडिया जो है वो चार जोन्स में बटा हुआ है, ठीक है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द सिस्मिक जोनिक मैप ऑफ इंडिया के द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, BIS ने ये बताया कि जोन 5 जो है सिस्मिकली द मोस्ट एक्टिव रीजन, जोन 5 जो है वो सबसे ज़्यादा इस एरिया में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, और सबसे कम जोन 2 में सबसे कम अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अराउंड 11% जो अर्थ कंट्री का जो पार्ट है, 11% कंट्री का पार्ट है वो जोन 5 के अंदर में आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, ठीक है। 18% जोन 4 में आता है, जो उससे कम अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। 30% जोन 3 में आता है, जहाँ उससे कम अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। और सबसे कम जो अर्थक्वेक आता है वो जोन 2 में आता है, सबसे सेफ जोन कहा जा सकता है अर्थक्वेक के हिसाब से। रीज़न क्या है अर्थक्वेक प्रोसेंसन इन इंडिया में, कि जो इंडियन प्लेट है ये ड्राइविंग इनटू यूरेशिया, ये यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा है, तो एट ए 47 mm पर ईयर के हिसाब से, तो हिमालयन जो बेल्ट है ये कॉलिजन बिटवीन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कॉलिजन करके बना है विथ यूरोपियन प्लेट, हाउस लॉट्स ऑफ स्ट्रेन्स इन अंडरलाइंग रॉक्स, अंदरूनी रॉक में कई सारा स्ट्रेन यानी एक हलचल पैदा करता है, जिसके चलते अर्थक्वेक वगैरह आता है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के एरिया में भी सी फ्लोर जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है, अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हो रहा है। डेक्कन प्लेटू जो है द इमर्जेंस ऑफ ए फॉल्ट, वहाँ पे एक फॉल्ट लाइन है और एनर्जी बिल्डअप करता है, तो इस फॉल्ट लाइन के वजह से जो रिवर भीमा या कृष्णा नियर लातूर एंड ओसामाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर में है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है और अनसाइंटिफिक लैंड यूज हो रहा है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखने को ज़्यादा मिल रही है, जो कि हाई रिस्क लैंड हो जाता है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। तो ये सारी रीजंस है जिसके चलते अर्थक्वेक इंडिया में आता है, ठीक है। तो जो मैं 4 reasons की बात कर रहा था, 4 zones की बात कर रहा था, वो ये है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। रेड जो एरिया देखने को मिल रहा है जोन 5 एरिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। उसके बाद जोन 3 आ जाता है, ये सारी एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया, जहाँ उससे कम अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। जोन 2 जो है, जो येलो वाला एरिया है, ये उससे कम अर्थक्वेक देखने को मिला। और सबसे जो सेफ जोन आप कह सकते हैं जोन 5, जो रेड, जो आपका जोन 1 जो सबसे सेफ है, यानी जोन 2 यहाँ पे इसका है, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है सबसे सेफ एरिया, जहाँ पे सबसे कम अर्थक्वेक देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है अर्थक्वेक को लेकर, कि व्हाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो वर्ल्ड के जितने भी फोल्ड माउंटेन्स आपको दिखेंगे वो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन यानी कि किनारे पर ही क्यों ऐसा वो फोल्ड माउंटेन्स बना हुआ है। ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उसको बताइए, एंड द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस के बारे में बताइए, इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, जो कि मेन से रिलेटेड है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। फिर मैं कल इसके लिए आपको डिस्कस करूंगा, या फिर यहाँ से आप ये UPSC 2014 में इससे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिया पिचिंग फॉर इन्हांस्ड डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स। इंडिया जो है बढ़ चढ़कर बायोफ्यूल्स को डेवलप करने का काम कर रहा है, ये PIB के द्वारा कवर किया है, ठीक है। बैकग्राउंड बता दे तो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया था, नहीं ये देखिए, इंडिया को जब G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो ये एम्फेसाइज किया इन्होंने इंटरनेशनल कोलेबोरेशन ऑफ फॉर एनर्जी सिक्योरिटी और इन्हांस डेवलपमेंट के साथ, कि इमर्जिंग जो फ्यूल है, आने वाला जो फ्यूल है वो बायोफ्यूल ही है और हाइड्रोजन ही है, ठीक है। आने वाले समय में यही फ्यूल के रूप में हमें यूज़ करना है, तो गवर्नमेंट नोटिफाइड किया उन्होंने यूज़ करने के लिए हाइड्रोजन को एज ऑटोमोटिव फ्यूल, ऑटोमोटिव कार वगैरह बाइक वगैरह में जो फ्यूल के रूप में हमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है। और सेल व्हीकल्स ऑन 16 सितंबर 2016 में ये नोटिफिकेशन जारी की गई किया गया। जो OLCPSC आर सेटिंग अप 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज इन द कंट्री एट पानीपत में, ठीक है, जो कि हरियाणा में है, पंजाब में, आसाम में, उड़ीसा में, ठीक है, ये हो रहा है, यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। बायोफ्यूल के बारे में बता दे तो ये एक लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। ये यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास से इसे प्रोड्यूस किया जाता है, और कैन बी यूज
ये डीजल पेट्रोल या अदर जो फॉसिल फ्यूल से इसको रिप्लेस कर सकता है, और ट्रांसपोर्ट में इसका यूज हो, जो यूज होते हैं टू मेक बायोफ्यूल्स जनरली जो है, अदर एप्लीकेशन से भी यूज हो सकता है, क्रॉप्स जो यूज होते हैं, ठीक है, जनरली ये हाई इन सुगर होता है, सच एज सुगर केन और सुगर बीट, स्टार्च, ठीक है, ऑयल्स, ठीक है, इन सभी चीजों से बायोमास जो है वो, ये बायोफ्यूल जो है वो निकाला जाता है क्रॉप्स में से भी। कैटेगरी है बायोफ्यूल्स का अगर हम लोग देखें तो, बायोफ्यूल जो है प्राइमरी बायोफ्यूल्स भी होता है और सेकेंडरी बायोफ्यूल्स भी होता है। प्राइमरी बायोफ्यूल्स जो है जिसके अंदर में जो कि नेचुरल बायोफ्यूल जिसको कह सकते हैं, जो कि फायर वुड से या प्लांट से या वुड चिप से या फॉरेस्ट से, लैंडफिल गैसेस से, इन सभी क्रॉप्स, इस सभी जो चीज़ों से फॉर्म होता है। वहीं अगर सेकेंडरी बायोफ्यूल्स की बात करें तो इसका फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है बायोफ्यूल्स का, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स का थर्ड जनरेशन है और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स भी है। फर्स्ट जनरेशन के अंडर में वीट, बार्ली, कॉर्न, पोटेटो, सुगर केन, बीट, ऑयल सीड्स, एनिमल फैट, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकेंड जनरेशन में कसावा, जाट्रोपा, मिसकैंटस, स्ट्रॉ, ग्रास, वुड, ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड जनरेशन में माइक्रोब्स और माइक्रोलगे आता है जेनेटिकली, और फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोग्लेल आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग बायोफ्यूल्स के कैटेगरी आपको बांट दी गई है, ठीक है, और ये कल दिन आपको डीजल और पेट्रोल के रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, जहाँ जिसका एम था कि इथेनॉल जो ब्लेंड किया जाएगा, इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कंजर्व किया जा सके, एंड सो ऑन। प्रधानमंत्री जीवन यानी कि जावी ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण जो योजना है, ये 2019 में लॉन्च की गई, जिसका काम था क्रिएट एन इकोसिस्टम ताकि कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और R&D काम किया जा सके इन द 2G इथेनॉल जो सेक्टर है उसमें, ठीक है। और 20% इथेनॉल ब्लेंड करने का टारगेट रखा गया 2025 तक, पहले 2030 तक का टारगेट रखा गया, उसे कम कर 2025 तक का टारगेट रखा गया है, ठीक है, एम है ये गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। गोबर एक अभियान है, एक स्कीम है गोबरधन, ठीक है, ठीक है। इसका फोकस क्या है कि मैनेजिंग और कन्वर्टिंग करना फार्म एनिमल डंग यानी कि जो गोबर वगैरह है या जो सॉलिड वेस्ट है इसे यूजफुल कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, बायोगैस में कन्वर्ट करना, बायो CNG में कन्वर्ट करना, ताकि कीपिंग विलेज क्लीन, विलेज को क्लीन भी किया जा सके और रूरल हाउसहोल्ड जो इनकम है उसे भी बढ़ाया जा सके, ठीक है। रीपर्पस यूज कुकिंग जो ऑयल है उसको, इट एम्स, इसका भी एम है कि इकोसिस्टम में कि अलाउ करें फॉर कलेक्टिंग और कन्वर्जन फॉर ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल, ठीक है, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करने के लिए भी एक प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ से मैंने उसको भी स्लाइड्स में डाल दिया है, ये आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, कुछ प्रॉन्स है कौन से, सब सारी चीज़ें, और कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ए कसावा, ठीक है, बी डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, थ्री जो है ग्राउंड नट सीड्स, और फोर्थ जो है हॉर्स ग्रैन। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, कौन सा इसमें से जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज हो सकता है बायोफ्यूल्स में, रॉ मटेरियल। पांचवा है रोटेन पोटेटो, छठा है सुगर बीन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 2, 5 और 6। वन कैसावा यूज हो सकता है, डैमेज्ड वीट ग्रेन्स यूज हो सकता है, रोटेन पोटेटोज और सुगर बीन्स बीट यूज हो सकता है, लेकिन ये दोनों यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, MSP को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि MSP क्या है, कॉन्सेप्ट पहले समझ लें इंडिया के अंदर MSP क्या है। टाइमलाइन देखें MSP का, तो आफ्टर अगर हम लोग देखें बिफोर 1947 इंडियाज एग्रीकल्चर वर डिवास्टेड अंडर ब्रिटिश रूल, 1947 से पहले जो भी एग्रीकल्चर का जो भी काम था वो ब्रिटिश रूल के अंदर में होता था, लेकिन 1957 के अंदर में फूड ग्रेन इंक्वायरी कमिटी आई
जिन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया एक और एड्रेस किया एग्रीकल्चर अर्निंग इश्यूज को साथ ही। और 1964 में अगर हम लोग देखें तो फूड झा टू पुश फॉर एन एमएसपी रिजिम को पुश करने के लिए कमेटी बनी। और 1967 में अनाउंस किया गया, फर्स्ट एमएसपी को अनाउंस किया गया, ठीक है। और आफ्टर 1967 एमएसपी को अप्लीकेबल कर दिया गया पूरे इंडिया में। और गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को ताकि एमएसपी ऑफ क्रॉप जो ये फिक्स किया जा सके और ये रिप्लेस कर दे 1985 का सीएसीपी को, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय, इसे फिर रिप्लेस किया 1985 में सीएसीपी ने, ठीक है। ये सारी बातें थी यहाँ पे मैंने टाइम सीए, ठीक है। गवर्नमेंट ने कवर किया है यहाँ पे, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 स्पेसिफाइड क्रॉप्स, 24 ऐसे क्रॉप है जिसके लिए एमएसपी को अनाउंस किया गया, एज वेल एज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर सुगर केन। तो फेयर और सुगर केन के लिए अलग से एक प्राइस डिसाइड हुआ, लेकिन टोटल 23 ऐसे क्रॉप्स हो गए जिसमें 14 खरीफ क्रॉप हैं, ठीक है, 2 कमर्शियल क्रॉप होगा, 6 रबी क्रॉप्स हो गए। इशूज क्या है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन कमीशन का ने रिकमेंडेशन कहा है कि फिक्सिंग एमएसपी एट 150% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट रिमेनिंग यूनिम्प्लेट अनइम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अगर कॉटन की बात करें तो एमएसपी जो है मीडियम स्टेपल कॉटन जो है 2022-23 के अंदर में खरीफ सीजन में 6,080 रुपया है, तो लेकिन फार्मर ने बोला कि दे गॉट प्राइसेस मच हायर देन एमएसपी फॉर देयर प्रोडक्ट। फार्मर ने ये बोला कि मार्केट में तो उन्हें जो एमएसपी से ज़्यादा मिल रहा है पैसा, तो वो एमएसपी में क्यों बेचेंगे, ठीक है, सरकार को क्यों बेचेंगे जबकि बाहर उन्हें ज़्यादा मिल रहा है, तो इट वॉज इनइक्वेटेड। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या फैसला दिया कि इसकी प्राइस को हाई किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एमएसपी जो है एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि एमएसपी का मतलब क्या है, क्या है एमएसपी, क्या है, और एमएसपी को रेस्क्यू करने के लिए कि हाउ व्हाट डू मीन बाय एमएसपी, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप, ठीक है, 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन, क्लियर है। एक टॉपिक है जो मेंस ओरिएंटेड हम लोग कह सकते हैं कि फार्म टू फॉर्क फिलॉसफी, फार्म टू फॉर्क फिलॉसफी क्या है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। अभी बात ये हो रही है कि किस तरह से जो है वो इनकरेज किया जा रहा है फार्मर्स को और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जो कंज्यूमर्स के चॉइस को है, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। इट कैन बी यूज एज एन, अगर आप एग्जाम्पल लें, ठीक है, मैं फार्म टू फॉर्क फिलॉसफी जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इनकरेज करते हैं फार्मर्स को और फिर इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के चॉइस को, उसी तरह से है कि हैदराबाद एक बेस्ड एक कंपनी है, इस सिंहस्त्र नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है जो कि गोज बियॉन्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग से भी आगे जा चुका है अपनी सेल्स स्ट्रेटजी को करके तौर पर, टू सब किस लिए, तो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, मूविंग अवे फ्रॉम केमिकल फ्री प्रैक्टिसेस, यानी ऑर्गेनिक एक तरह से जो चीज़ें हैं वो नेचुरली जो चीज़ें हैं उस बायो प्रोडक्ट से, उस पर ये कंपनी है जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये इस कंपनी ने ऑफर किया है कॉन्स्टेंट सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को, टू वीन देम ऑफ मैकेमिकल इनपुट्स एंड शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस कंपनी का टारगेट ये है कि वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है कि वो, और बोल रहे कि जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स जो वो यूज़ करते हैं अपने फार्मिंग के दौरान, वो उसे यूज़ ना करें और उसके जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिसके लिए सपोर्ट जो वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। और टू क्रिएट एन एक एश्योर्ड मार्केट क्रिएट करने के लिए इट ऑल्सो प्रोक्योर्स और पोजेजेज और एंड मार्केट्स द प्रोड्यूस, और वो मार्केटिंग भी करेंगे उस प्रोडक्ट का, ठीक है, और इट ऑल्सो और इन्वेस्ट भी करेंगे, मैसिव इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा उनके द्वारा, साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और बेनिफिट्स इससे क्या होगा, ह्यूमन के हेल्थ को बेनिफिट होगा, इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट होगा, साथ ही साथ क्रिएट किया जाएगा कंज्यूमर के डिमांड को फॉर द प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम 24 मंत्रा,
24 मंत्रा एक के नाम से एक ब्रांड लाया जाएगा और इससे कई सारी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा एक पहल हम लोग कह सकते हैं। तो द कंपनी ने ऐसे 40 फार्मर से बड़ा फार्मर का सफर तय किया और कवर किया है नियरली 81,000 हेक्टेयर 15 स्टेट्स के अंदर में उन्होंने इसे ग्रो किया है। पहले शुरुआत में 40 फार्मर थे जुड़े थे, अब 40,000 फार्मर जुड़ चुके हैं और इतने सारे एरियाज और 15 स्टेट्स को उन्होंने कवर किया है। सिहस्त्र जो है लिस्ट नाउ इंक्लूड नियरली 200 प्रोडक्ट्स उनके द्वारा लिस्ट है, जिसमें कि फ्लोर भी है, ग्रेन्स भी है, पल्सेस भी है, मिलेट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, स्पाइसेस टू फ्लोर्स है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, पिकल्स है, कुकीज है, कल्टीलरी पेस्ट्स है, जैम्स है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। ये सारे चीज़ें वो प्रोडक्ट्स है जो ऑर्गेनिक रूप से उगाए गए हैं, ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट को बनाया गया है और इसमें किसी भी तरह से फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं किया गया है। फार्मर्स गेट 200 टू 300 पर 100 ग्राम मोर देन द केमिकल बेस्ड फार्मिंग। फार्मर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर फार्मर केमिकल बेस्ड अगर वो फार्मिंग करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको रेट भी मिलेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो 24 मंत्रा के नाम से ये कंपनी है, ठीक है, मैंने बता दिया ऑर्गेनिक फूड है, नेचर्ड विथ केयर है। तो इस तरह से जो है वो साथ ही साथ फार्मर्स के इनकम को भी बढ़ाने का काम ये प्रोग्राम करेगी। तो ये थी फार्म टू फॉर्क फिलॉसफी, ठीक है। तो आगे की बात, ठीक है, ये थी, आप ध्यान रखेंगे। कुछ प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है। पहला है लायन एट द रेट 47 विजन अमृत काल, ठीक है, ये पीआईबी के द्वारा कवर किया गया है जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया है गिर लैंडस्केप जो कि गुजरात के अंदर में है, इन द लास्ट होम ऑफ द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन का ये लास्ट घर आप कह सकते हैं कि यहीं पे ही वो बचा हुआ है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका कि सिक्योर करना, रिस्टोर करना लायन के हैबिटेट को और जो उसके पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने का काम करना इसका टारगेट है। साथ ही साथ अपलिफ्ट करने का, लिवलीहुड जो जनरेशन है और पार्टिसिपेशन लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन भी इसमें होना चाहिए। टू मेक इंडिया ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज ऑन हिज बिग कैट डिजीज डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट, क्रिएट इंक्लूसिव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात की है उसने बोला है कि गेट्स फंडिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के द्वारा। एसेटिक लायन जो है वो जिसका साइंटिफिक नेम ये है IUCN स्टेटस में ये इंडेंजर कैटेगरी में आता है और CITES में ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट शेड्यूल 1 में ये कवर होता है। स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायन से ये थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। पिक्चर में आप देखें ये है आपका एसेटिक लायन, ठीक है, इसी को बचाने के लिए बात की जा रही है। अगला जो टॉपिक है वो QR कोड को लेकर है जो कि LPG सिलेंडर में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। PIB के द्वारा ये कवर किया गया है, ठीक है। QR जो है ये पोस्टेड एंड एग्जिस्टिंग सिलेंडर्स एंड वेल्डेड ऑन न्यू वंस। QR कोड कैन बी रीड बाय डिजिटल डिवाइस, इट इज लाइकली टू वर्क इन द सेम वे एज द आधार कार्ड की तरह यूज होगा। LPG सिलेंडर विल बी एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द परचेस्ड सिलेंडर सच एज वेयर इट वॉज बॉटल्ड, हु इज द डीलर, वेन इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड, रिफिलिंग, सेफ्टी टेस्ट, लोकेटिंग स्टॉलन सिलेंडर अमंग अदर डिटेल्स। तो इस QR कोड से ये सारी चीजें जो है ये इससे बेनिफिट हो जाएगा। QR कोड क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड जो कि ब्लैक स्क्वायर डॉट्स होता है, ब्लैक वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल भी हो सकता है। तो ये है QR कोड के बारे में जो कि इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है अब सिलेंडर के अंदर में, ठीक है। इस तरह से QR कोड वहाँ पे होगा इंडियन ऑयल का, ठीक है, इस तरह से जिसको कि यूज किया जाएगा। हाउ नेजल वैक्सीन वर्क, किस तरह से नेजल वैक्सीन वर्क करता है, ये जो है ये डाउन टू अर्थ के द्वारा कवर किया गया टॉपिक है, ठीक है। तो थ्रू द एग्जिस्टिंग वैक्सीन, अभी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है हैव बीन वर्क इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। रिसर्चर्स आर डेवलपिंग अल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं टू इम्प्रूव टू इफेक्टिवनेस इसका बढ़ाने के लिए। तो ऐसे 14 नेजल वैक्सीन है जो कि क्लिनिकली ट्रायल स्टेज पर अभी हैं। तो इम्यून सिस्टम फाइट जो पैथोजन है उससे फाइट करने के लिए है। इम्यून सिस्टम हैज़ टू डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, तो म्यूसोसल और
सर्कुलेटरी एक टू है सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है आप कह सकते हैं। तो किस तरह से नेजल वैक्सीन वर्क करता है ये मैं बता देता हूँ कि ये वाया नोज के थ्रू ही इसे यूज किया जाएगा, ठीक है। जो एंटीजन द वायरल एंटीजन इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम वुड बी टेकन अप बाय द इम्यून सेल विद इन द लाइनिंग ऑफ द नोज और द टॉन्सिल्स। तो ये इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स में ये जाएगा लेकिन नोज के थ्रू जाएगा, इसलिए नेजल वैक्सीन कहा गया है। एंटीजेंस इन द वैक्सीन इंड्यूस बी सेल्स जो है इन मॉस्यूल साइट्स जो है टू मैच्योर प्लाज्मा सेल्स को बढ़ाएगा और दैट सीक्रेट प्लाज्मा सेल मैच्योर इनटू प्लाज्मा सेल में मैच्योर कर जाएगा और इस तरह से ये फॉर्म एक आईजीए फॉर्म करेगा, ठीक है। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि नेजल वैक्सीन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये एडवांटेज क्या है कि ब्लॉक वायरस जो है एट द एंट्री पॉइंट, ठीक है, नोइस के थ्रू ही ये इंटर करते हैं तो एंट्री पॉइंट पर ही उसे अटैक करेगा और इसे आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा, ठीक है। नॉट एवरीथिंग वी कॉल एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये भी डाउन टू अर्थ के द्वारा ही कवर किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या व्हाट डज एआई नीड टू वर्क, तो हाई क्वालिटी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको अनबियास्ड जो डाटा है उस पर काम करने की ज़रूरत है, कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने मॉडल्स को, ठीक है। सिम्बॉलिक जो एआई है उसको, स्कीम जो है इंडिया के अंदर कई सारे एआई के स्कीम है, नेचुरल स्ट्रेटेजी फॉर एआई टू डेवलप एक ऐसा इकोसिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि रिसर्च किया जा सके और अडॉप्ट किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। विश्वेश्वर्य पीएचडी स्कीम भी है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई फॉर यूथ, ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से कई सारे स्कीम्स भी है इंडिया के अंदर जो एआई से रिलेटेड है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है अनकंट्रोल्ड रीएंट्रीज ऑफ सैटेलाइट, कुछ अनकंट्रोल्ड है ऐसे सैटेलाइट जो कि रीएंटर कर जा रहे हैं, ये हिंदू के द्वारा कवर किया गया है। व्हाट इज अनकंट्रोल्ड सैटेलाइट रीएंट्री, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा फेनोमेना है रॉकेट पार्ट्स का जो कि फॉल बैक अर्थ में, जिस अर्थ में आपने छोड़ के आया तो ये फॉल अर्थ की तरफ वापस आ जाता है, ठीक है, जिसके साथ अनगाइडेड फैशन वंस देयर मिशंस आर कंप्लीट। सो मिशन जब कंप्लीट होता है तो वो फॉल बैक अर्थ में ही वो गिर जाता है, ठीक है। तो इट्स पाथ डाउन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, उसका शेप के द्वारा या एंगल ऑफ डिसेंट या एयर करंट्स के द्वारा उसे का पता लगाया जाता है, ठीक है, उसका पाथवे को आउट डाउन किया जाता है। पोटेंशियल रेडियस ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज ऑन द ग्राउंड, एन इम्पैक्ट ऑन एन एयरलाइनर वुड प्रूव फैटल फॉर ऑल पैसेंजर्स इफ द डेब्रिस इज अबव 300 grams। मोस्ट रॉकेट पार्ट्स लैंड इन, ज़्यादातर रॉकेट पार्ट जो वो ओशन के अंदर ही लैंड करते हैं। वाई साउंटिस्ट इसके लिए वरी क्यों है रीएंट्री कर रहा है, तो रीएंट्रिंग स्टेजेस स्टिल होल्ड फ्यूल, कुछ फ्यूल की जरूरत होती है, एटमोस्फेयरिक और टेरेस्ट्रियल जो कंटामिनेशन है वो रिस्क पर आ सकता है, साथ ही साथ कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ फेस जो कंट्रीज है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिस्क पर हो जाते हैं, कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं अगर कहीं किसी लैंड पर गिर गया तो। नो इंटरनेशनल बाइंडिंग, ऐसा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि वो रॉकेट स्टेजेस को इंश्योर करे, ऑलवेज परफॉर्म कंट्रोलिंग रीएंट्री को के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम एग्रीमेंट नहीं है। लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 का है जो रिक्वायर करता है एंट्री टू पे डैमेजेस बट नॉट प्रिवेंट देम, ठीक है, वो डैमेजेस को वापस कर सकता है लेकिन प्रिवेंट करने के लिए वैसा कुछ है नहीं। व्हाट कैन मेक मिनिमम डैमेज, क्या मिनिमम डैमेज कर सकता है, तो फ्यूचर सॉल्यूशन इसका यही है कि शुड इंक्लूड री एंट्रिंग सैटेलाइट एज वेल, स्मॉलर सैटेलाइट एक्सपीरियंस मोर एटमोस्फेरिक ड्रैग एंड आर लाइकली टू बी बर्नड अप इन द प्रोसेस ऑफ रीएंट्री के प्रोसेस पे वो बर्न हो जाए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस रीसेट टू जो है वाज ट्रैक्ड बाय इसरो के द्वारा ट्रैक किया गया है अभी, यूजिंग इट्स सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट फ्रॉम ए मंथ इट इवेंचुअली फेल इनटू द इंडियन ओशन, वो इंडियन ओशन में ही जाकर गिर गया, ठीक है, इस तरह से सेपरेट होता है, ठीक है। एक टॉपिक है जो कि सेबी का टॉपिक है कि बायबैक ऑफ जो शेयर होता है वो क्या है,
तो बायबैक ऑफ शेयर है कि कुछ कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती है, लेकिन कुछ कारण से, ठीक है, मार्केट को बैलेंस करने के लिए, अपने शेयर का रेट को बढ़ाकर ही रखने के लिए कुछ शेयर्स वो है खुद ही अपने शेयर्स को खरीद लेती है मार्केट से। तो जो शेयर वो वापस खरीद लेती है अपने ही बेचे हुए शेयर को, उसको बायबैक ऑफ शेयर कहा जाता है। ठीक है, तो सेबी प्रीफर्स रिपर्चेज, और सेबी अभी अपने शेयर्स को रिपर्चेज कर रही है, ठीक है, बाय कंपनीज के द्वारा फ्रॉम शेयर होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर के जरिए वो खरीद रही है, एंड बैन द स्टॉक मार्केट मोड को बैन करने के लिए। तो ये मैंने बता दिया क्या है। ठीक है, मैक्सिमम जो लिमिट होती है बायबैक करने की शेयर को 25% हो सकती है, और लेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व ऑफ ए कंपनी। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज रूट? स्टॉक एक्सचेंज रूट क्या है? तो एक कंपनी कैन अपना शेयर को वो खुद ओनली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। द बायबैक विल बी मेड ओनली थ्रू द, मतलब ये बायबैक कर सकती है कंपनी, कैन बायबैक शेयर्स ओनली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही, मतलब कि जरिए ही वो उसी के रूट से ही वो खरीद सकती है। और बायबैक विल मेड ओनली थ्रू द ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म के जरिए ही वो बायबैक कर सकती है। द प्रोमोटर्स या फिर और जो पर्सन है इन कंट्रोल ऑफ ए कंपनी आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो प्रोमोटर हैं या फिर जो कंपनी कंट्रोल कर रहे हैं, वो इसको अलाउड नहीं कर सकता, उन्हें अलाउड नहीं है पार्टिसिपेट के जरिए। जो कि ये जो मिनिस्ट्री है, कमिटी है, ये सेटअप किया गया था सेबी के द्वारा, फाउंड दैट अंडर द स्टॉक एक्सचेंज रूट जो है, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वन शेयर होल्डर्स इंटर ट्रेड गेटिंग मैच्ड विद द परचेस ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कंपनी, दस डिप्राइविंग अदर शेयर होल्डर्स फ्रॉम अवेलेबलिंग द बेनिफिट ऑफ बायबैक अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट डजेंट बेनिफिट स्मॉल शेयर होल्डर्स। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं है। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी है उसने अपने इशू किया, एक शेयर इशू किया, शेयर होल्डर ने उस शेयर को खरीदा, फिर शेयर होल्डर से वो उसने शेयर को वापस कंपनी ने खरीद लिया, तो ये एक तरह से एक सर्कल बन गया। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर का। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर, इसको बायबैक ऑफ शेयर बोला जाता है। ठीक है, एक टॉपिक है एरिकानट। फार्मर्स हैव बीन अर्जिंग सेंटर टू कंट्रोल इंपोर्ट ऑफ एरिकानट्स टू चेक फॉलिंग प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। एरिकानट के जो इंपोर्ट पर फार्मर जो बोल रही है कि सेंटर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसका प्राइस जो चेक करने के लिए कि प्राइस फॉल कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में या नहीं। ठीक है, एरिकानट या फिर एरिका पाम के बारे में बतवात करें तो इसे येलो पाम भी कहा जाता है, बटरफ्लाई पाम भी कहा जाता है, या फिर येलो बटरफ्लाई पाम या फिर केन पाम या गोल्डन फेदर पाम भी कहा जाता है। स्टेम्स जो होता है मे बी क्लस्टर्ड या फिर स्लेंडर या समटाइम्स ब्रांचिंग होता है, 30 feet टॉल होता है या रीच या अप्रोक्स। ठीक है, 30 feet हो सकता है, मे बी 30 feet के आसपास होता है। इसका ओरिजिनेट या मेडागास्कर एक जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है कि एरिकानट एक कंसिडर्ड एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इन द स्टेट, और एक कमर्शियल क्रॉप भी है जो कि नेशनल लेवल पर एक ड्राई फ्रूट है इंटरनेशनल मार्केट पर ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। ग्रोइंग कंडीशन इसका होता है 14 degrees Celsius से 36 degrees Celsius। आइडियल रेनफॉल होना चाहिए 750 mm से लेकर 4500 mm पर इरीगेशन पर। ग्रेवली लेटराइट सोयल पर ये उगता है। ठीक है, इश्यूज़ क्या है जो फार्मर के द्वारा कि इंपोर्ट ऑफ चीपर वेराइटीज फ्रॉम भूटान से अगर इंपोर्ट करते हैं तो सस्ता पड़ता है। मैसिव क्रॉप जो डैमेज होता है एक्सेसिव रेनफॉल के द्वारा, ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो डैमेज हो गया। फाइनेंशियल लॉस भी होता है, कई बार प्लांट में डिजीज हो गया, येलो लीफ डिजीज जिसको कहा जाता है, फ्रूट और रूट डिजीज भी कहा जाता है, ब्लास्ट डिजीज भी कहा जाता है। 30-40% जो क्रॉप है वो अफेक्ट हुआ है 2022 के अंदर में। एरोनॉट जो है, देखिए इस तरह एरोनॉट, ये एरोनॉट है। देखिए अगर एरोनॉट की बात करें, एक्रानट जो है इंडिया के अंदर में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर, आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर ये उगाया जाता है। ठीक है, क्या क्या डिजीज होता है आफ्टर अफेक्टिंग एरोनॉट प्रोडक्शन में, तो कोयल रोगा,
माहली, फ्रूट रोट, ठीक है, येलो लीफ स्पॉट, येलो लीफ डिजीज, नट स्प्लिटिंग, इस तरह से तो होता है। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ उगाया जाता है मैंने बता दिया। सिरसा सुपरा गेट्स जीआई टैग। सिरसा सुपरा जो है ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर में होता है, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। एक्रोनट जो एक यूनिक फीचर्स है कि लाइक राउंड एंड फ्लैटेड कॉइन शेप का होता है, जो कि पार्टिकुलर टेक्सचर का होता है, टेस्ट एंड आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, इस तरह से होता है ये। ठीक है, सुपाड़ी की तरह, एक्रोनट सुपाड़ी, ठीक है, सुपाड़ी बोलते हैं इसको, सुपाड़ी हिंदी में, ठीक है, सिरसा सुपाड़ी। इस भाई एक्रोनट का हिंदी में मतलब क्या है, सुपाड़ी, ठीक है, सुपाड़ी का पेड़, ठीक है, सुपाड़ी जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज भी होती है। साहित्य अकेडमी अवार्ड अनाउंस्ड हुआ है अभी, साहित्य अकेडमी अनाउंस्ड हुआ, जो कि हिंदू के द्वारा कवर किया। ये जो अवार्ड है ये जूरी मेंबर्स के द्वारा अप्रूव किया गया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द साहित्य अकेडमी अंडर प्रेसिडेंट चंद्रशेखर कांबर के द्वारा। अवार्ड जो 2022 का है, ये जो अवार्ड है 23 लैंग्वेजेस पर है, इंक्लूड 7 बुक्स इसमें इंक्लूड है, इसमें पोइट्री, 6 ऑफ नोबल, 2 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 3 ड्रामास, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल एसे, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड लिटरेरी हिस्ट्री। तमिल ऑथर जो राजेंद्र हैं उन्हें, तेलुगु राइटर जो मधुरन थाकम नरेंद्र है, संस्कृत पोएट जनार्दन प्रसाद पांडे है, मनी वेयर अमोंगस्ट दिस, इनका सिलेक्शन इसमें हुआ, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, या इनका सेलेक्टेड हुए, ये लोग सेलेक्टेड हैं इसमें। जो भाषा सम्मान है वाज अवार्डेड टू उदयनाथ झा को दिया गया है भाषा सम्मान अवार्ड। आसामीज लैंग्वेज के अंदर में मनोज कुमार जो गोस्वामी वो जीते हैं इसमें। शॉर्ट स्टोरीज जो उनके द्वारा लिखी गई भूल सत्य, अनुराधा रॉय ने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में इसे जीता है, ठीक है, नोबेल के अंदर में। ऑल द लाइफ्स वेयर नीड लिव्ड, गुलाम मोहम्मद शेख ने गुजराती लैंग्वेज में लिखा था गिर गतन, जो एक ऑटोग्राफिकल एसेस था, उसके अंदर में उन्हें ये अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है वो लिटरेरी ऑनर किया जाता है इंडिया के अंदर में, साहित्य अकेडमी इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स एनुअली कन्फर्म्स ऑन राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक, जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स जिनको द्वारा लिखी गई है उनको ये सम्मान दिया जाता है। कई सारे लैंग्वेज में पोएट लिखा है, ऐसे लिखा, उस तरह से इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल के अंदर में। ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएनएससी रिजोल्यूशन क्या है 2593, ये हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा कवर किया गया है। तो इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है अदर नेशन, ठीक है, इन क्रिटिसाइज करने के लिए तालिबान जो बैन कर रहा है ऑन वुमेन इन यूनिवर्सिटी। तालिबान ने बैन किया है वुमेन को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, इसके चलते क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसको इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है। तो जो रिजोल्यूशन है 2593, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है 2593, जो अडॉप्ट किया गया था 30 अगस्त 2021 को, फॉलो किया गया द फॉल ऑफ काबुल के द्वारा और तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान। तालिबान जो टेक ओवर किया है अफगानिस्तान के अंदर में, तो अकॉर्डिंग इस रिजोल्यूशन के अनुसार जो सिक्योरिटी काउंसिल डिमांड है दैट अफगान टेरिटरी नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी अदर कंट्री और द शेल्टर एंड ट्रेन टेररिस्ट। सिक्योरिटी काउंसिल ने डिमांड किया कि अफगान टेरिटरी के अंदर में कोई भी थ्रेटन करने या अटैक करने की जरूरत नहीं है और शेल्टर और ट्रेनिंग टेररिस्ट को देने की जरूरत नहीं है। इट रेफरेंस इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट, दोज ऑफ वुमेन को इंक्लूड किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे मैंने कवर किए, तो आई होप आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स जो है वो आपको कवर कर दिया है मैंने। तो कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो जल्दी से मिल सके। तो सारे टॉपिक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।